देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अपना तारुफ कराता हूं कि नरेंद्र खजूरिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कठुआ एज वेल एज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं एजुकेटिव मेंबर भी हूं। जैसे कि इस वक्त यही चर्चा चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कि जो चीज़ें हमने कभी सोची भी नहीं थी, वही चीज़ें जो है वो अभी हमारे जम्मू कश्मीर की पब्लिक के ऊपर लागू की जा रही है। रही बात प्रॉपर्टी टैक्स की, तो शुरुआत आपने म्यूनसिपल कमेटी से की है, तो मैं भी उनका इंटरव्यू जो है वो देख रहा था, पूरा हाउस वहाँ पे बैठा था, तो अध्यक्ष महोदय अरिंदर सिंह बब्बी जी वहाँ पे बार बार ये बात कह रहे थे कि हमारे जहाँ के जो मूलभूत सुविधाएं जो हमारे लोगों को मिलनी चाहिए वो तो जहाँ पे है नहीं। तो ये ऐसा सिस्टम जो है, तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ के जहाँ पे कोई हमारे गरीब लोगों के ऊपर ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगेगा। लेकिन अगर एक तरफ हमारे म्यूनसिपलिटी के नुमाइंदे जो हैं वो ये कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, इसके ऊपर जदोजहद करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ आपका ही जो म्यूनसिपल कमेटी का जो सीईओ है वो उसी वक्त वही बयान दे रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स तो वो लागू हो गया है, प्रॉपर्टी टैक्स तो लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन सीईओ साहब जरा जे भी आप सोचे, ये कहना तो बड़ा आसान है क्योंकि आप जिस चेयर पे बैठे हो और सरकार का आप पैसा ले रहे हो, वो आपको इनकम वहाँ पे पगार आपको मिल रही है, आपने तो उनकी भाषा बोलनी है। हाँ, अगर कभी आप भी पार्षद होते तो वो भी आप उनकी भाषा बोलते कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स अगर जहाँ मूलभूत सुविधाएं अगर अच्छी हो तो मेरे ख्याल में आम नागरिक जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स देने में वो हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन जहाँ पे सुविधा कोई नाम मात्र की नहीं है, लेकिन आप उसके फरमान जारी करते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाए, इसको हम जो है आम नागरिक जो है वो इसको सहन नहीं करेगा। और आम नागरिक को एकजुट होना पड़ेगा। और जैसे जब से ये सरकार जो आई है, ये नए नए फरमान जो है वो जारी कर रही है, ऐसे ऐसे जो फरमान है, आप एम्प्लॉयमेंट देने में सक्षम नहीं हो, आप लोगों की जमीनें छीनने में अपना प्रयास कर रहे हो, और वो जमीनें किसको दे रहे हो, जहाँ जो सेंटर के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं हम देख रहे हैं, उनको पता होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से जानकारी मिलती है कहाँ पे एक्सप्रेस वे निकालना है, कहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगानी है, कहाँ पे कोई पुल बनाना है, उनको सारा पता होता है। तो वही और उनके रिश्तेदार और उनके जो चहेते लोग होते हैं उनको आप जहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से उसको जगह अलॉट करते हो। बात तो सिर्फ गरीबों पे ही पड़ेगी और पड़ेगी किस पे, लेकिन जो जहाँ के बशिंदे हैं, जो जहाँ के लोकल लोग रहने वाले हैं, अगर कि उन्होंने अगर दो कमरे चार कमरे बना लिए, 1000 स्क्वायर फुट जो है वो तो क्या होता है, ठीक है, किसी के घर में अगर 6 लोग रहने वाले हैं तो वो एक कमरे में रहेंगे, अगर उन्होंने 4 कमरे बना लिए 1000 फुट से ऊपर हो गया तो क्या उसको प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, उसका उसने गुनाह कर दिया क्या? सभी बड़े बड़े लोग जो हैं, जो अंबानी अडानी वगैरह जहाँ ओन इंडस्ट्री से जो बड़े बड़े हैं वही रह सकते हैं पक्के मकानों में, वही बड़े मकानों में रह सकते हैं। अगर जो 4-6 लोग कमाने वाले हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं या कुछ भी है, अगर उन्होंने कमरे बना लिए 4 लोगों ने या कुछ भी 4 भाइयों ने इकट्ठे कमरे बना लिए, तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। और इसका सबक जो है आने वाले दिनों के अंदर पब्लिक को एकजुट होना पड़ेगा, और इसका जवाब जो है वो इसको कांग्रेस पार्टी जो है वो गरीबों के साथ है, कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के साथ चलने वाली है, कांग्रेस पार्टी अगर कोई भी सरकार ज्यादती करेगी हमारी पब्लिक के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, कांग्रेस पार्टी उसका कड़ा विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी इस टैक्स के लिए कभी भी सहमत नहीं है और ना ही ये टैक्स लगने देगी। हम चाहते हैं कि सरकार की आंखें खुलनी चाहिए, सरकार के अंदर जो नुमाइंदे जहां पे बैठे हैं उन्होंने ये सोचना चाहिए कि हमारी गरीब जनता जो है उसको तंग मत करें। यही लोग जो हैं जो कहीं टोल प्लाजा लेके आ जाते हैं, कभी इनको देखो तो कोई और चीज लेके आ जाते हैं, इन्होंने एक ही सिस्टम बनाया है के पब्लिक को तंग करना है, कैसे करना है, और उन्होंने नब्ज पकड़ी हुई है। कुछ लोग जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं बेचारे और बहुत तंग हैं, लेकिन सिर्फ बात यह है कि वो बोल नहीं पाते, वो कहते हैं कि पार्टी विरोधी एक्टिविटी के तहत आएंगे, जो क्या ये जो टैक्स है ये सिर्फ कोई दूसरी पार्टियों के ऊपर लगेगा, क्या एनसी पीडीपी कांग्रेस या पैंथर पार्टी या कोई और जो इंडिपेंडेंट होंगे उनके ऊपर लगेगा, बीजेपी के जो लोग हैं उनके ऊपर भी लगेगा। बीजेपी के अंदर भी गरीब लोग रहे, बीजेपी के अंदर भी अनएम्प्लॉयड यूथ है,
वो भी तंग है इनसे, लेकिन वो कह नहीं पाता है। जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम आप सभी लोग ना जदोजहद करें, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन खुल के बाहर नहीं आते। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो पब्लिक जो है ये देख रही है, ये जो नुमाइंदे जिन्होंने वोट लेके, हमारे लोगों के वोट लेके जो नुमाइंदगी जो कर रहे हैं, इनको सबको सिखाना पड़ेगा। इनको ये जो टैक्स, इनको टैक्स की जो बात जो ये करते हैं, जिनको भूल जाना चाहिए कि लोग जो हैं वो इनका साथ देंगे या कुछ भी है। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं उनको ये बात समझनी चाहिए और एकजुट होकर इन गलत जो इनके डिसीजन है उसका विरोध करना चाहिए, कड़ा विरोध करना चाहिए। और आने वाले समय में इस सरकार को सबक सिखाना चाहिए ताकि ऐसे फरमान जारी ना करवाएं। जय हिंद, जय भारत।